गया, ग्लूकोज की बटर भर लूं। आखिर क्यों वीकेंड पर सुनीसर लेक के किनारे इतना जाम लगा रहता है कि जो भी लोग सुनीसर से जम्मू की तरफ आना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर कम से कम आधे से एक घंटा लग जाता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर स्वागत है। आज बात करेंगे सुनीसर लेक की। जानकारी के मुताबिक आप सभी दर्शकों को बता दें कि सुनीसर लेक जम्मू से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर हर वीकेंड शनिवार और रविवार के दिन सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और यहाँ की सुंदरता का नज़ारा लेते हैं। लेकिन आज बात करेंगे सुनीसर लेक के किनारे जो पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर क्यों इतना जाम लग जाता है कि किसी को भी अगर सुनीसर के इलाके से अगर जम्मू की तरफ आना पड़ता है या फिर सुनीसर में जो भी इलाके पड़ते हैं वो लोग अगर जम्मू की तरफ वीकेंड के दिन आना चाहते हैं तो उन्हें लगभग वहाँ से 1 से 1.5 घंटा सिर्फ सुनीसर लेक के किनारे जो पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर ही लग जाता है। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा यहाँ पर सुनीसर लेक के किनारे पार्किंग भी बनाई गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने एक तरफ गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन आपको बता दें कुछ लोग दूसरी तरफ भी गाड़ियाँ लगा देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लग जाता है और लोगों को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक भी ट्रैफिक विभाग का अधिकारी नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अधिकारी मिलेगा जो लोगों को यहाँ पर समझाए और कहीं ना कहीं गाड़ियाँ निकालने में मदद करे। हमारी बात यहाँ के एक स्थानीय निवासी से हुई और हमने जानने की कोशिश की कि हर वीकेंड पर यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बनी होती है और किस तरह का जाम यहाँ पर देखने को मिलता है और क्या कारण है कि यहाँ पर सुनीसर लेक के किनारे हर वीकेंड को इतना जाम देखने को मिलता है कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं कि स्थानीय निवासी ने हमें क्या जानकारी दी और उन्होंने क्या वजह बताई कि यहाँ पर क्यों हर वीकेंड के दिन इतना जाम लग जाता है। आइए जानते हैं। तो कैसा, आप जब यहाँ से जाते हैं तो आपको जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक तो जाम रहता है यहाँ पे, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग वो भी बनी हुई है, लाइनिंग वगैरह लगाई हुई है सबने। बट अगर आप बाइक पे आते हो तो अच्छा, आप क्रॉस वे कर सकते हो, बट अगर आप गाड़ी पे आते हो तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन से आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियों का जाम लगा रहता है, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे नहीं मिलते, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे प्रशासन को? प्रशासन से मैं यही अपील करता हूँ कि अपना कोई भी जो रहता है आपका 2-3 जो भी है मुलाजिम अपने ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी यहाँ पे आप तैनात करें ताकि आप गाड़ी एक सिमेट्री में लगा सकें। कई लोग क्या होता है कि कई लोग तो समझदार होते हैं, वो प्रॉपर गाड़ी वे में लगाते हैं, कई लोग होते हैं कि सीधी लगा देते हैं गाड़ी, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को। मतलब कि मैं लगा सर यहाँ पे लोगों को 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है, मतलब गाड़ी निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारे साथ ये बातचीत रखी, प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि किस तरह से स्थानीय निवासी ने भी यही कहा कि कुछ लोग यहाँ पर गलत गाड़ी पार्किंग कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लग जाता है और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग और ट्रैफिक विभाग से यही अपील करेंगे कि आने वाले समय में वो यहाँ पर अपना कोई ना कोई अधिकारी छोड़ें जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोगों को यहाँ से निकालने में मदद कर सकें। और सुनीसर डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी हम यही अपील करते हैं कि वो आने वाले समय में यहाँ पर अपने अधिकारियों को लगाएं और देखें कि कौन लोग यहाँ पर गलत पार्किंग कर देते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं फाइन भी किया जाए। उम्मीद करते हैं हमारी तरफ से दिखाई गई आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यहाँ पर जो भी दिक्कत आ रही है आने वाले समय में उसका कहीं ना कहीं समाधान निकल सके। इसी खबर के साथ आप हमें दें इजाज़त, तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।